आज हम बनाने जा रहे हैं मटर मशरूम, जिसमें मैं टमाटर डाल रहा हूँ दो, और दो मिर्च डाल रहा हूँ, और एक बड़ी प्याज, और ये मेरे मशरूम कटे हुए हैं, और ज़्यादा नहीं, मटर थोड़ी सी कम, जो कि एक कटोरी से कम है, और थोड़े से मैं आलू डाल रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि मेरे पास छीलने वाला वो मिल नहीं रहा है, उसका तरीका है, इसको ऐसे करके छील सकते हैं आराम से। हाँ, इसको ऐसे भी एक बार में इसको आराम से निकाल लेते हैं, ज़्यादा नहीं मोटा काटना, और घुमा लेते हैं, अच्छा लगता है। एक बार में तुरंत ऐसा स्पाइरल सा निकल आता है, ठीक है। तो इसको अभी हम कट कर लेंगे और धो लेंगे, ज़्यादा बड़े नहीं काटने, छोटे ही काटेंगे, क्योंकि तो आलू टाइम से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाएगा मशरूम के कंपेरिजन में, तकने में उनको बराबर रखेंगे। अभी तो बनाते बनाते डिसाइड करना है कि हम इस मशरूम को ग्रेवी वाला बनाएंगे ज़्यादा या कम ग्रेवी वाला बनाना है, देखते हैं। फिलिंग पे ध्यान देना, पहले उसको नॉक कुछ कर दिया, नॉक मैंने चालू कर दिया है, थोड़ा सा तेल डाला रखेंगे, ज़्यादा नहीं, बस इतना पर्याप्त रहेगा। ये मसाले हैं, इसमें अभी थोड़े से एक मसाला काम है, शायद धनिया पाउडर, ये गर्म मसाला, तो उसमें मैंने डाल लिया। इसमें हल्दी है, ये मिर्च है, ये जीरा। जैसे ही ये गर्म हो जाता है और थोड़ा सा लगता है कि इनको गर्म है, तो हम इसमें थोड़ा सा अपने हाथ से जीरा डाल देंगे, जीरा डाल दिया। हाँ, एक चीज़ और है, हींग है, ज़्यादा हींग पाउडर है, बहुत कम है, मतलब ज़्यादा मात्रा में डाली जा सकती है इसमें, तो हल्की भी सुबह सुबह ही मिल जाएगी, तो उसको यूज़ कर सकते हैं, डाल दिया। उसके बाद इसके पकने का इंतज़ार करेंगे। ज़्यादा नहीं, एक टी स्पून हम छोटी चम्मच हल्दी, मिर्च अपने हिसाब से डाल दीजिए, आगे थोड़ा ज़्यादा, आधे से कम, आधे से ज़्यादा, ठीक है। ये गर्म मसाला, ठीक है, और ये थोड़ा इसको हम पकने देंगे अच्छे से। तो ये पक जाएगा ना, उसके बाद हम उसमें मटर डालेंगे। हालांकि जल्दी में बना रहा हूँ तो अच्छी ही बननी चाहिए, अभी बात नहीं ख़राब बनी, लेकिन कुछ चीज़ें मैंने नहीं डाली जो कि इस टाइम पे मौजूद नहीं थी, तो आपके लिए ऐसे हम सब लोगों के लिए पर्याप्त है, मैं ज़्यादा नहीं, जैसे कुछ लोग अदरक भी डाल देते हैं, अदरक भी डाल सकते थे हम, तो ये आपकी इच्छा अनुसार है, ठीक। अंकुरित हो रही थी है, तो हम इसको ज़्यादा ही डालेंगे, और फिर हमको तो मशरूम का भी टेस्ट लेना है ना, इसीलिए मैंने आलू इसलिए डाल दिए क्योंकि मैं सब्ज़ी थोड़ी बनानी थी, और
पता है मशरूम तो हाल खत्म हो जाते घंटे ही। दो टमाटर डाले थे बड़े बड़े देसी टमाटर, ग्रेवी में हेल्प करेंगे हमें तो भी लास्ट टाइम पर जैसे पक गया हमारा मसाला तो भी बना लेंगे। तो ग्रेवी तैयार हो जाएगी, कुछ लोग ग्राइंड कर लेते हैं टमाटर, ग्राइंड भी कर सकते हैं अपने अपने अनुसार मेथड को कोई भी यूज कर सकता है, बट जो तरीका है वो बहुत ही सिंपल होता है सब। ये नहीं है कि इसका यही नियम है कि ऐसे, बस स्वाद आना चाहिए सब्जी। अब देखिए इसका जो तेल है ना ऊपर आ गया है, अच्छी खासी ग्रेवी बनने जा रही है, मसाला मिल चुका है प्रॉपर। हम इसको फ्लेम तो हमने कम करी थी, साथ में थोड़ा सा और अच्छे से घुमा दिया, तो दो मिनट के बाद अपने आप ही टेक्सचर पकड़ने लगी थी। तो इसी तरह मैं अपने जो आलू है वो डाल देता हूँ, अभी क्या है ना कि अब हमने आलू डाल दिए इसमें, आलू नहीं डालते ठीक है, तो फिर से और मशरूम की सब्ज़ी बनती, और नहीं तो अभी आलू डाल दिए मशरूम ना डालने से आलू मटर की सब्ज़ी बन गई है ठीक है। तो सब्ज़ी में तो कॉम्बिनेशन किसी का भी कर सकते हैं, बस अच्छी लग गई। हम लास्ट में हमारा मेन आइटम है वो डाल देते हैं, ठीक है डाल दिया अब मसी। अब जो अपने जो फ्लेम है उसको कम कर देंगे क्योंकि चिपकने लगेगा, ज़्यादा रहेगा तो मसाला जलेगा चिपकेगा नीचे। तो देखिए पानी तो हमारे हमने डाला ही नहीं था, और इस तरीके से प्रॉपर सूखा सूखा रहेगा ये सब्जी, लेकिन हम इसमें पानी डाल देंगे ताकि ये हमारे मशरूम अच्छे से उबल सकें और हमारे आलू भी उबल सकें, और ज़्यादा नहीं डालेंगे कि तैरने लगे ये सब्ज़ी, कि हाँ लगे कि ग्रेवी टाइप की गाढ़ी ग्रेवी रखेंगे और हमारी सब्ज़ी भी बन जाए और खाने में स्वादिष्ट भी रहे ठीक है। अब उसमें पानी की डालने की बारी आई, हमेशा एकदम से पानी नहीं डालिए, एक गिलास पहले पानी डालने की कोशिश करिए फिर देखिए यहाँ ये पर्याप्त है कि नहीं। अभी मैं इसमें और पानी ऐड कर सकता हूँ, और मैं कैसे ऐड करता हूँ कि इसको बस पूरे ढंग से इसमें ये कवर हो जाए और फिर अपने आप खत्म हो जाए। अगर मैं इसको उससे ऊपर तक करूँगा पानी तो ये ज़्यादा हो जाएगा, मैं इधर तक करूँगा थोड़ा सा बस गया, इसी में ये हो जाएगी थोड़े बन जाएगी और गाढ़ापन भी रहेगा सब हो जाएगा। थोड़ा और भी डाल सकते हैं मन करे तो, लेकिन ज़्यादा नहीं है आपके अंदाज के हिसाब से, लेकिन मैंने आपको बता दिया जो मैंने लिया था वही प्रपोर्शन है ठीक है। अब इतना भरना नहीं है इसको, ये याद रखिए, और इसमें हम डाल देंगे इसको फिर देखते हैं क्या होता है। ढकने से पहले नमक ज़रूर डालिएगा ठीक है, तो ये मैंने मेरे हिसाब से अंदाजन ठीक है, आप इसको ले सकते हैं एक चम्मच फुल। और बिल्कुल शुरुआत में थोड़ा सा बनाने में लगता है नमक ज़्यादा, तो नमक को हमेशा कम रखिए, ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं, कम ही रखने का सोचिए, और बाद में ऊपर से डाला जा सकता है तो सब्ज़ी ख़राब तो नहीं होगी समझे। और हाँ अगर ज़्यादा हो गया तो फिर आपको सब्ज़ी बढ़ानी पड़ सकती है ठीक है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा अवेलेबल हो। इसको खोल के देखते हैं कि कैसी बनी है, क्या है, 5-10 मिनट पानी 6-7 मिनट हो गए होंगे, पानी काफ़ी हद तक जल गया है, अरे ग्रेवी कम, ड्राइनेस दोनों ही तरीके से, ज़्यादा हमको रसीली भी नहीं चाहिए और ज़्यादा हमको सूखापन भी नहीं चाहिए था। तो अब इसको अभी थोड़ा सा और पका सकते हैं ठीक है, तो यह खुशबू तो अच्छी आ रही है, इसी के साथ हम गार्निश कर देंगे थोड़ा सा धनिया।
मटर मशरूम जिसमें आलू भी डाले, तैयार हो चुका है। ठीक है, काफ़ी कलरफुल लग रही है। ठीक है, ये पानी रख लिया है और ये गार्निश के लिए मैंने धनिया भी रख दिया। अब तक सब्जी बन रहा है, फिर डालेंगे इसको बाद में। ठीक है, पानी को हमेशा जब भी है ना ज़्यादा नहीं डालने ना, पहले ऐसे घुमाते हुए हल्का हल्का डालो, एकदम से डाल देंगे तो ज़्यादा गीला हो जाएगा। ऐसे गुठली बनने दें इसको, और एक ही हाथ को अपना गंदा करें, गंदा मतलब इसके साथ यूज करें, या दोनों हाथों को साथ में लगा देंगे तो फिर आप सही से कर नहीं पाएंगे, दूसरे हाथ को भी गंदा कर लेंगे साथ में। तो इसको ऐसे करते रहिए और जहाँ जहाँ आपको पानी की ज़रूरत पड़े उसको डालते रहिए, और देखना 3 से 4 मिनट नहीं लगेंगे और ये बन जाएगा। इस तरीके अब जैसे कि इसको हमने कर करके ऐसे साथ में लगा दें, फिर उसको ऐसे ऐसे दबाएंगे तो एक सब जुड़ जाएगा। जहाँ पानी की ज़रूरत पड़े हल्की से डाल लीजिए। ठीक है, इसको साथ में ले लीजिए ऐसे करके, तो इस साथ में ऐड हो जाएगा। इसको ऐसे कर लीजिए, आपके हाथ में लगाए आपका हाथ भी साफ हो जाएगा, साफ आदमी मतलब पर अटा यूज हो जाएगा, घुस जाएगा साथ में। थोड़ा दागत लगती है, लगाइए अच्छे से, उतना ही आटा अच्छा मरता नहीं है। थोड़ा सा मैं हल्का सा पानी ले लूँगा कि वो थोड़ा टाइट लग रहा है, बस आटा वाड़िए तो आपके हाथ में आटा लगेगा नहीं, हाथ बिल्कुल साफ हो गया। इस तरीके से आप जब कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे साथ में करेंगे, ये डेफिनेटली आपका हाथ साफ रहेगा। जब मुलायम हो जाए हो जाएगा, या आटा मर जाएगा, या आपको पता हो जाएगा या आटा मर चुका है, लेकिन डाल लग जाएगा। ज़्यादा मोटी नहीं, छोटी ही मोटी में बनाएंगे और इससे टूट तोड़ के इस तरीके से बाद में भी यूज कर सकते हैं, बनाएंगे इस तरीके से हाथ घुमाते हुए गोलाई टाइप की बनेगी। ठीक, इसको ऐसे से करते हुए इसको बड़ा कर लेंगे, फिर हम इसको इस पर रख कर दे लेंगे। सबसे पहले हम अपने गैस चालू कर देंगे, उसको ज़्यादा नहीं लेना है, इसको ऐसे किनारों पे दे देंगे और उसको ऐसा घुमाएंगे जिससे कि रोटी गोल कर सके। इसको
इसमें पानी लगा हुआ था, थोड़ा सा पानी लगा हुआ है इसलिए चिपक रही है, अभी हो जाएगी। जितना बड़ा कर सकते उतना बड़ा कर लिए पतला ही रखे हम, तो कुछ इस तरीके से इस पर हमको आटा कम यूज करना है। वैसे ये गर्म हो जाए, हो गया है काफ़ी हद तक, तो हम इसको रख सकते हैं। ठीक है, तवा थोड़ा सा कम हल्का गर्म था उस टाइम पे, तो दिखाने के लिए मैं जल्दी डाल दी कहाँ पे डालते, तो ठीक हो गया। तो हम इसको सेक के देखो थोड़ा सा हल्की आँच कर लेंगे, तो फुलाने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक रोटी अगर सही फ्लेम पे सेकी जाए तो वो फूल जाती है, फट गई है रोटी, तो उसमें भी फूल गई है। किनारे से भी हम गोल घुमा के सेक सकते हैं, सेकना चाहिए, और ये ऊपर सेक गई है रोटी। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे जब तक ये पूरा पोर्शन थोड़ा सा ब्राउनिश टाइप का दिखने लगे। मैंने पलट दी थी रोटी इस साइड से भी होगी, सिर्फ शुक्रिया।